रविकांत जी, सबसे पहले आपके पास प्रोफेसर रविकांत जी, सवाल यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। राहुल गांधी से लेकर और आज खुले तौर पर न्याय की घोषणा कर रहे थे, न्याय योजना की घोषणा, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि महिलाओं पर भी फोकस हमारा है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए और इस स्कीम को, इस योजना को हम भली भांति लागू करें। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, उससे पहले एक न्याय योजना को लेकर एक अलग यात्रा निकाली जा रही, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 6200 किलोमीटर, कल इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और वहां भी न्याय, यहां भी न्याय, जन जन तक न्याय पहुंचाने की कोशिश। लेकिन इस कोशिश में कई सारी चुनौतियां, और उन चुनौतियों में एक कुछ चुनौतियां जो है कांग्रेस पेश कर रही है, इंडिया गठबंधन पेश कर रहा है, इसको किस हिसाब से, किस रूप में देखा जाए, और यहां से फिर बीजेपी के बिगड़ते हुए खेल पर भी नजर डालनी होगी। क्योंकि देखिए, ये बात हो सकता है कुछ लोगों को अटपटी लगे कि बीजेपी के बिगड़ते हुए खेल क्या। यहां एक बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि खेल बनना या बिगड़ना बीजेपी के लिए ही है, क्योंकि कांग्रेस या विपक्ष का खेल तो पहले से बिगड़ा हुआ है, उसे अब बनाना है, तो इसलिए चर्चा हम उसकी कर रहे हैं। चलिए प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आता हूं। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, समाज और राजनीति का एक विद्यार्थी होने के नाते जब हम शब्दों पर गौर करते हैं तो जाहिर तौर पर उन शब्दों की अर्थवत्ता और उनकी प्रासंगिकता समझ में आती है। आज अगर चौतरफा न्याय की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि इस देश में अन्याय का बोलबाला है, और वो अन्याय जिसका राहुल गांधी ने बार बार जिक्र किया, खड़गे साहब ने बार बार जिक्र किया, नौजवान सड़क पर है, बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन सरकार 90 लाख पदों को नहीं भर रही, दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और वो ओबीसी का समाज जो 50% से ज्यादा है वो इसके लिए केवल मोहताज है कि उसकी आबादी पता चल जाए कि वो जनसंख्या में कितना है, उसकी आबादी कितनी है, और उस समाज को भागीदारी क्यों नहीं मिली। राहुल गांधी ने आज बेहद बौद्धिक भाषण में, लंबे भाषण में उन्होंने दो क्रांतियों की भी बात की। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्रांति हुई इस देश में, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति हुई किसानों के जरिए। लेकिन बड़ा अच्छा लगा यह सुनकर के कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने दुग्ध क्रांति को पैदा किया, उसमें सहायक की भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। किसानों ने इस देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया, उसमें सहायक की भूमिका कांग्रेस पार्टी। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि इन 10 साल में क्या हुआ। नौजवान के हाथ में वो अपना मोबाइल है और 7 घंटे वो उसमें बर्बाद करता है। राहुल गांधी ने जो नहीं कहा वो मैं कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी के दौर में भक्ति की क्रांति हुई है, एक ऐसा पूरा भक्त मंडल तैयार हुआ है कि चाहे वो बेरोजगार हो, महंगाई से तड़प रहा हो, भूखा हो, और उसके आत्मसम्मान को रोज छलनी किया जा रहा हो, लेकिन वो मोदी भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भक्ति की क्रांति हुई है इस देश में। और वही चला, मिला तो कुछ नहीं, वो झुंझुना मिला है बजाने के लिए, तो रात दिन आप, पहले एक दौर था जब राम धुन हुआ करती थी, आजकल मोदी धुन हो रही है बस चारों तरफ। राम मंदिर भी बन रहा है तो वो मोदी धुन के साथ बन रहा है, और वही बज रहा है इस देश में। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत बुनियादी सवाल देश को बनाने के, और वो नागपुर आरएसएस का गढ़ जरूर है क्योंकि आज सत्ता उनके पास है, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह बाबा साहब अंबेडकर की कर्म भूमि है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और संविधान ने क्या दिया, समता और न्याय का सिद्धांत का मूल्य, और सबको बराबर का हक, एक वोटिंग राइट सबको दिया, लोगों को आगे बढ़ने का सपना ही नहीं दिया, साधन भी दिए। लेकिन आज जब संविधान पर कैंचियां चल रही हैं और लोकतंत्र को भीतर से छलनी किया जा रहा है, क्योंकि उसका एक हिस्सा, एक पाया ढह चुका है पूरी तरीके से, वो मीडिया खत्म हो गया है,
तमाम संवैधानिक पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है, केवल और केवल वो आरएसएस के कैडर के आए हुए हैं, इनकी केवल एकमात्र योग्यता है। तो देश को भीतर से छलनी किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, और इधर मोदी धुन गाई जा रही है। ये 10 साल में मिला है इस देश को, नौजवानों को, किसानों को। महाराष्ट्र में है तो किसानों की याद आना तो लाजमी है। क्या हुआ, महीने लोग बैठे रहे, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, और मोदी जी ने उसके बाद क्या बोला सिर्फ? अभी तो पूरा इरादा है उनका, उन्होंने वो केवल मुलतवी किया है। अगर मोदी जी रहे तो ये देश की जमीन बिकेगी और आएंगे सड़क पर वो किसान भी। उसकी तरफ चिताया कि लोगों को नकदी चाहिए ताकि कम से कम अर्थव्यवस्था रन कर सके। यहां तो कितना कर्ज हो गया इसकी सुध-बुध लोगों को नहीं है, लेकिन लोगों को मोदी धुन में केवल गुमराह किया जा रहा है। इसलिए नागपुर की आज की रैली आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारत न्याय यात्रा है। उसके स्लोगन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा हुई। राजनीतिक न्याय की चर्चा इसलिए कि जो संविधान सभा ने प्रावधान किया था, जो संकल्प किया था कि सारे लोग अब समान हो रहे हैं, और जो भी देश में समस्याएं हैं वो डेमोक्रेसी के जरिए, चुनाव की राजनीति के जरिए वो समाप्त हो। और इसकी उम्मीद तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं कर रहे थे कि आगे इस तरह का माहौल आएगा। तो जिस तरह से डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो एक तरह से फिर से राजनीतिक न्याय की जरूरत है। दूसरा जो दो बातें हैं वो तो खुद अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के भाषण में कही थी कि सोशल डेमोक्रेसी की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जरूरत है, और अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो फिर राजनीतिक आजादी खतरे में पड़ जाएगी। तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम मणिपुर की घटना हम लोगों के सामने है, तो ऐसे में उस सामाजिक आजादी की जरूरत, सामाजिक न्याय की जरूरत आज और ज्यादा महसूस की जा रही है। तीसरा, नोटबंदी से लेकर के जीएसटी होते हुए आप देखेंगे कि जिस तरह से अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ रही है और आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ रही है, गरीबों की तादाद बहुत बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, जो मध्यम व्यवसायी है वो जीएसटी में पस्त हो गया, तो देश में आर्थिक समता भी स्थापित हो और सबके पास रोजगार हो, जो व्यापारी है, जो व्यवसायी है, वो भी बड़े कारपोरेट घरानों की वजह से आशंकित न रहे, इसकी भी जरूरत है। तो वो आर्थिक न्याय भी इन मुद्दों में शामिल रहेगा और इसी के लिए ये पूरी जो भारत न्याय यात्रा है वो समर्पित रहेगी इन मुद्दों को उठाते हुए। जीएसटी के बारे में तो राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते ही रहे, पूरा व्यवसायिक लोग बर्बाद हो गए। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे इस यात्रा में और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी मुद्दे हैं जो लोगों के जेहन तक जाएंगे। जी राजू जी, बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी कैसे, क्योंकि पिछली यात्रा में आप थे,